दिस इज आवर 24 आवर ट्रिप ऑफ मरी। अगर तुम्हारे पास मरी में 24 आवर हैं तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। एंड वी ऑल नो डैट लाहौर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। तो और इन ट्रेन से टिकट लो और पहुंचो सीधा रेलवे स्टेशन। देखें ट्रेन पे जो सफ़र है ये दूसरी दफ़ा मैं गा रहा हूँ और ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो ट्रेन पे जाना ज़रूरी नहीं है लेकिन चले जाओ, एक्सपीरियंस करने में क्या है। ट्रेन पे जाना ज़रूरी नहीं है लेकिन नए नए एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से ट्रेन पे जा रहे हैं। तो लेट्स गो। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है और आपने बर्फ़बारी भी लाजमी देखनी है तो ट्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन। पिंडी की रात 12 बजे वाली ट्रेन पकड़ो और सुबह सुबह पहुंचो रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पिंडी स्टेशन से अभी नाश्ता किया, अब आगे की तरफ जा रहे हैं मरी की तरफ और सदर से नाश्ता किया। सदर स्टेशन से मेट्रो पे बैठो और पहुंचो 10 स्टॉप आगे फैदाबाद। और गाड़ी रेंट आउट करने के लिए अपने दो ऐसे खिलाड़ियों को आगे करो जो पैसे बचाने के चैंपियन हो। अगर आप मरी के रास्ते में और बर्फबारी पहले ही स्टार्ट हो जाए तो कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं। मज़ा आ गया। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग देखी है। स्नोफॉल शुरू हो चुकी है यहाँ बसे में, पेट्रोल पंप पे बड़ा वेदर है। This is the highest point of Punjab. यार इस वाले प्राइटिक्स में रुके हुए हैं, रूम नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो बहुत महंगे हैं और बहुत फजूल हैं। तो अब जो प्राइटिक्स में कुछ खाते हैं तब तक देखते हैं क्या मामला होते हैं और आगे का जो सीन है आपको बताते हैं। यार इस वक्त रेड ओनियन और रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे, अभी ऑर्डर दिया और कमरा अभी तक नहीं मिला। ट्राई है, कमरा मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसके बाद कोशिश करेंगे खाना खाने के बाद। और इस वक्त अली टीवी अपने जाली अर्थकुल स्टाइल में बैठे हैं, आपको बताते हैं अली रिकॉर्ड बनाते
बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आज तो कोई रोके ना बस ये रेड ओनियन का खाना था ये बस ठीक था, मेरा कोई पर्सनल राय नहीं कि आप यहाँ आए थे, बस नॉर्मल। और बाहर निकले तो धूप बहुत तेज़ निकल आई है, बर्फबारी के बाद ऐसा खूबसूरत व्यू आ रहा है धूप का। और यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, इमरान साथ है हमारे। इमरान जी जी बिल्कुल, बाकी इंजॉय कर रहे हैं हम, खाना कैसा और बहुत अच्छा मौसम और खाना भी बहुत मज़े का था। इस वेदर में आपको ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को नापना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ठंड है आपको पूरे तैयारी के साथ आना चाहिए, हर ज़रूरत की चीज़ पास होनी चाहिए आप। अभी हमें रूम नहीं मिल रहा, रूम मिल जाएगा तो फिर हम अपना सामान रखेंगे, बस सामान तो थोड़ा सा ही है, बैग है, ड्रोन है, बस बाकी सामान हम ज़्यादा लेके नहीं आए। दिस इज़ द हार्ट ऑफ मरी, GPO पॉइंट, फ़ोटो खींचने के लिए बेहतरीन पॉइंट। GPO पॉइंट है, फोटो खींचने के लिए बेहतरीन जगह मरी में, और यहाँ सारा रश फोटो खींचने वालों का ही है। अगर आपको रूम नहीं मिल रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नीचे जाओ और स्नोफॉल एंजॉय करो। और इन भाई को लगता है कि अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, स्लो मोशन में आ रहे हैं। शुएब यार जल्दी आ, नहीं तो तेंदुआ आ जाएगा। अभी यार टिकटॉक बाद में बना ली, आ जा नहीं तो अपनी सुपर पावर तुझे दिखानी पड़ेगी। अब अली ख़त्म है मेरे हाथों, और शुएब तू भी अपनी नची पकड़ ले। और ये अली का खात्मा होते हुए देख सकते हैं आप, 3, 2, 1 गो। और ये अली और शुएब की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये फाइटिंग, और ये बेस्ट मूव शुएब का, और दोनों की तरफ से नची हमले पूरी तरह नाकाम कर दिया अली को इस वक्त। अली और बीच में एक और दुश्मन भी आ चुका है, वो हैं आप देख सकते हैं इस वक्त, ये अरसलान भी आ गए हैं, और हमले पे हमला हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। और ये अली ख़त्म, अली की हालत बिल्कुल ख़राब। यू लॉस, एंड दिस इज़ आवर 24 आवर इन मई। तो आगे मिलिए हमारे भाई हमजा से। और अगर आपका मेन मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल देखने का है तो मरी पास भी है और टाइम भी कम लगता है, आप स्नोफॉल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्यूटी देखनी है, खूबसूरती देखनी है पाकिस्तान की, तो नॉर्थन एरिया जाएँ, वहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ये मरी तो कुछ भी नहीं है, थी मरी के बारे में अच्छी बात है। अब थोड़ी रियलिटी डिस्कस कर ली जाए। देखें मरी में इंतज़ामिया फ्लॉप है, वहाँ आपको 50 रुपए की चीज़ आपको 100 रुपए में मिलेगी। और अगर आप इसी ऐसे टाइम पे चले जाएं जब स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हो, तो
आपको 1,000 रुपये वाला कमरा भी 10,000 रुपये में मिलेगा। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ गाड़ी पार्क करने का एक रात का ना 2,000 रुपया देना पड़ता है, और जब आपको रेंट आउट कार करनी पड़े ऐसे वेदर में तो मत पूछें, 2,000-1,500 वाली गाड़ी भी आपको 6,000-7,000 बताएगी। तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया टूरिज्म को, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये व्लॉग का जो पार्ट है पहले लाहौर वाला, मैं लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी पे गया था, लेकिन व्लॉग का कोई व्लॉग बना नहीं था, तो इस वजह से मैं ये व्लॉग ट्रेन से शुरू किया। मेरे दोस्त ट्रेन पे ही आए थे, बट मैं गाड़ी पे गया था इस्लामाबाद तक। तो ये तो थोड़ा सा शुरू वाला पार्ट है, ये थोड़ा मैंने खुद से बनाया होगा। तो व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा।